नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। और यहाँ पे अपन बात बात करते हैं पीसी ज्वेलर की। यहाँ पे बात करते हैं तो पीसी ज्वेलर में यहाँ पे जिस प्रकार मैंने कहा था टर्निंग पॉइंट, पीसी ज्वेलर्स का टर्निंग पॉइंट ही चल रहा है। और पीसी ज्वेलर्स के टर्निंग पॉइंट में ही टर्निंग पॉइंट यहाँ हो चुका है कि यहाँ पे बैड न्यूज यहाँ पे आ गई है। और चार्ट में तो टर्निंग पॉइंट था दोस्तों, और लेकिन यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे इसकी चार्ट में मैंने कहा था इसमें कि चार्ट में कि यहाँ पे क्लोजिंग बेस पे ध्यान रखना कि ये 74 के नीचे क्लोजिंग देते ही इसमें जो टारगेट दोस्तों 70 तक और 68 तक के टारगेट जाने की संभावना फिर दिख सकती है, ठीक है। लेकिन ये इस टर्निंग पॉइंट के साथ साथ यानी कि चार्ट ने तो क्लोजिंग दे ही दी है, और ये इसमें कल भी ये नीचे गया था, फिर लास्ट में 74 के ऊपर आ गया था, फिर परसों भी नीचे गया था ये 74 के नीचे, फिर ऊपर आ गया था, पहले रोज भी नीचे गया था फिर ऊपर आ गया था। यानी कि फाइनली जाके ये काफ़ी संघर्ष करने के बाद में कल इसमें देख लीजिए सिर्फ 5 पैसे से नीचे इसने क्लोजिंग नीचे दी है। और लेकिन फिर बाद में जो है बाद क्या हुई दोस्तों, इसमें ये टर्निंग पॉइंट ये था ही कि 74 नीचे क्लोजिंग जाते ही इन शेयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है आपको, 70 तक 68 तक की संभावना लग रही है, संभावना लग रही है। लेकिन बैड न्यूज ये आ गई कि इसमें जो इसके जो प्रमोटर थे पीसी, यानी कि नाम ही उन पर हैं पीसी और जे, ठीक है, पदम चंद गुप्ता, पीसी नाम पे उन पे है पदम, पीसी ज्वेलर्स जो कंपनी है पीसी, ठीक है, ये देख लो पी जो कंपनी में उन्हीं के नाम पे है पीसी। तो पदम चंद से अपन आइडिया लगा सकते, पदम चंद और जो गुप्ता उनका जो निधन हो चुका है, तो ये यहाँ पे वेबसाइट पर डाला भी है और ये खबर आपके पास आ भी गई होगी, काफ़ी दिन में, कल दिन में आ गई थी और आपको अपडेट कर दिया गया था और इसमें कमेंट में भी आया था। और यहाँ पे मैं आपको और दिखा देता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा सजग होने की आवश्यकता है। और यहाँ पे यानी कि इसने पीसी ज्वेलर्स कंपनी ने यहाँ पे एक्सचेंज को यहाँ पे इन्फॉर्म भी किया है कि हम डायरेक्टर जो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये इंटीमेशन ऑफ सेड डिमाइज ऑफ श्री पदमचंद गुप्ता, यानी कि उनके निधन की दुखद सूचना, ये यहाँ पे खबर। और एक्सचेंज को उन्होंने 1:15 पे 1:15 पे उनको ये इन्फॉर्म दी थी, ठीक है। उसके बाद शेयर मैंने देख ली 75 रुपये से के ऊपर चला गया था, 75 के समथिंग चला गया था, वहाँ से अब 74 के इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। और ये टाइम देख लीजिए, और मतलब ये क्या चेंज इन डायरेक्टर, चेंज इन डायरेक्टर ये रहा, और कौन से इसका रूल्स के अनुसार ये चेंज कर रहे हैं, कैसे नहीं कि अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30, ठीक है, ये इनमें इनका जो कोई रूल्स है कि 30 के अंदर मतलब विशेष घटना होने पर ही ये चेंज कर रहे हैं, ना कि उनको फ्रॉड के रूप में उठा रहे हैं, ठीक है। ये तुमको निधन हो गया तो चेंज हो गई। ओके दोस्तों, इसी न्यूज़ के साथ मैं करता हूँ वीडियो को एंड, मिलता हूँ नेक्स्ट में, बाय बाय।